वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज में आप लोगों का बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं राज शर्मा एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे सारे दर्शक मेरे सारे भाई बहन ठीक ठाक होंगे। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है आज, खुशखबरी होटेलियर्स के लिए जो कनाडा जाने की राह देख रहे हैं काफी समय से, खासकर हाउसकीपिंग प्रोफाइल से। और हॉस्पिटैलिटी की बहुत सारी कंपनीज ने कनाडा में वर्क परमिट्स देने शुरू कर दिए हैं। जिनके पास स्किल्स हैं, जिनके पास एजुकेशन है, जो जाना चाहते हैं कनाडा में, वे अपने सीवी नीचे भेजना शुरू करें। और बता दूं आपको किस होटल में वैकेंसी निकली हुई है, क्या क्या वैकेंसी इसमें है, कान के पर्दे खोलकर सुनना। उससे पहले आप लोगों से विनती करना चाहूंगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियो पूरी एंड तक देखा करो ताकि इन्फॉर्मेशन आपको पूरी समझ में आए कि कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीके हैं। और बहुत सारी वैकेंसीज कनाडा में अभी आ चुकी हैं, तो एक एक करके आपके पास वीडियोस आती रहेगी। दोस्तों इन्वेस्टर होटल्स कनाडा, ये जो होटल है ये एक बहुत ही नामी गिरामी होटल है, हॉस्पिटैलिटी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कोप है। और कनाडा में ये होटल है, इसकी करंट ओपनिंग अभी जो आई हैं, इसमें खासकर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में बात करें, हाउसकीपिंग स्टाफ की वैकेंसीज आ रखी हैं, इसमें ऑपरेशन में वैकेंसीज आ रखी हैं। पहली वैकेंसीज हैं ऑपरेशन के लिए, अगर आप में स्किल्स हैं, आप ऑपरेशन सेक्टर में काम कर चुके हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट कर चुके हैं, तो आप कनाडा के इस होटल में इन्वेस्ट होटल्स में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बड़ी वैकेंसी दोस्तों एसेट मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट में आप भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास इसकी नॉलेज है एक्सपीरियंस है वह अप्लाई करें, इन्वेस्ट होटल में अच्छी सैलरीज आपको मिल सकती हैं। तीसरी बड़ी वैकेंसी दोस्तों सेल्स एंड मार्केटिंग वाले भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग में यहाँ पे रहता है कि कैसे आप होटल के बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, कैसे आप वहाँ के कस्टमर से डील करेंगे। बट इसके लिए आपको सबसे बड़ी बात बता दूँ, आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, और यू हैव टू बी शो योर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द ऑफर लेटर फ्रॉम द होटल साइड और द एम्प्लॉयर साइड। चौथा बड़ा यहाँ पे वैकेंसी का नाम है इवेंट मैनेजमेंट, क्योंकि बड़े बड़े होटल्स में इवेंट ऑर्गेनाइज होती हैं, तो जिनके पास नॉलेज है इवेंट मैनेजर की पोस्ट यहाँ पे खाली है कनाडा में, इन्वेस्ट होटल्स में आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद आगे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, पांचवें स्थान पर है जनरल मैनेजर की पोस्ट, इसके लिए वैकेंसीज खाली हैं, ये ओटावा सिटी में रहेगी दोस्तों। होटल इंजीनियरिंग में जिनके पास नॉलेज है सुपरवाइजर लेवल पे, वह लोग अप्लाई कर सकते हैं। आठवां बात करूं तो हाउसकीपिंग में, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है, हाउसकीपिंग मैनेजर की, असिस्टेंट हाउसकीपर की वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगला आता है गेस्ट सर्विस रिलेशनशिप, फ्रंट ऑफिस वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जो गल्फ में बैठे हैं वह लोग अप्लाई करें, क्योंकि उनके लिए ईजिली हो जाता है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर में आप अप्लाई करें, FMB सर्वर में आप अप्लाई करें। और खास बात यह है कि इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपको ज़्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे, यह वैकेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया जाएगा, कि उस लिंक से आप सीधा एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, वहां पे जाकर आप डायरेक्टली अप्लाई करें, अपनी डिटेल्स वहां फिल आउट करनी है आपको। फिल आउट करने के बाद जो भी डिटेल हो आपकी सत्यता पर आधारित हो, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन आप गलत वहां मिस नहीं करेंगे, मेंशन नहीं करेंगे, और वो डिटेल्स फिल करने के बाद वहां पे अपना CV और कवर लेटर, खाली CV मांगा गया तो खाली CV अपलोड करेंगे। CV इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे होना चाहिए, जिनके CV इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं है वह CV बनवाने के लिए हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, उसके कुछ चार्जेस रहेंगे, एक नॉमिनल प्राइस पे हम लोग काम करते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया गया है, वहां पे जाके क्लिक करो, फॉर्म फिल कर दो और सबमिट कर दो। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो एम्प्लॉयर आपको रिवॉर्ड जरूर करेगा। आज के लिए इजाजत चाहूंगा, बन रही है लेटेस्ट खबरों के साथ, और बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। इजाजत चाहूंगा दोस्तों, जय हिंद जय भारत।